नमस्कार, इंजीनियर राजू तवड़े चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम तिल के लड्डू बनाएंगे। हमने 150 ग्राम यानी डेढ़ कटोरी हमने तिल लिए है, 100 ग्राम यानी एक कटोरी हमने सिंघाड़ा लिया है रोस्टेड, और आधा कटोरी हमने सूखा नारियल लिया है, वो भी रोस्ट किया है, और आधा चम्मच इलायची पाउडर ली है, घी लिया है, और 3 कटोरी से थोड़ा सा कम हमने गुड़ लिया है। नरम लड्डू बनाने के लिए हम तिल को और सिंघाड़े को दरदरा पीस लेंगे अलग अलग। पीसे हुए तिल, सिंघाड़ा और खोपरे को हम मिक्स कर लेंगे। बर्तन गरम होने रखा है, अब घी डालेंगे 1 चम्मच। घी पिघलने के बाद में हम इसमें गुड़ डालने वाले हैं। गुड़ डालने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 चम्मच के इतना। गुड़ अच्छी तरह पिघलने देंगे, और जब गुड़ को झाग आने लगेगा ना, तब हम इसमें तिल और सिंघाड़ा और खोपरे का मिश्रण डालेंगे। इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। और तिल का मिश्रण डालना चालू करेंगे। मिश्रण ठीक होने लगा है, अब गैस बंद करेंगे, मिश्रण को ठंडा होने देंगे और लड्डू बनाना चालू करेंगे। मिश्रण थोड़ा ठंडा होने के बाद में हमने लड्डू बनाना शुरू किया है। जिस साइज के लड्डू हमें बनाने हैं, उतना ही मिश्रण हमें हाथ में लेना है और लड्डू बनाने हैं। तिल के लड्डू बनकर तैयार है।